108, शीतल सागर जी महाराज की मुनि संघ की बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र, जी की पावन तलहटी में और इस और इस सदी के ज्ञात इतिहास में प्रथम बार एक सौ आठ मंडलीय ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस सभा मंडप में आज के शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं और जितने ऐतिहासिक पल इस विधान के साथ जुड़े हैं उतने ही गौरव के पल आज हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे बीच में हमारे समाज गौरव अभिनव भामा साहब श्री अशोक जी पाटनी आर के मार्वल वंडर सीमेंट परिवार के संगण हमारे बीच में हैं मैं उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएँ और हमारे गुणायतन परिवार का आतिथ्य स्वीकार करें श्री अशोक जी सुशीला जी विनीत जी सुची जी रानू पहाड़िया जी सपरिवार शीघ्र और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन कार्याध्यक्ष श्री एन सी जैन साहब श्री एन एल जैन श्री सुभाष जी सुनील जी अजमेरा और श्रीमती जी पाटनी का तालियां बस्ती गौरव के क्षण इस विधान के ऐतिहासिक क्षणों के साथ जुड़े हैं और हम इन क्षणों को अपनी स्मृति में संजो करके रखना चाहते हैं गुणायतन परिवार एक रुकिए एक अनुकृति भी जो है गुणायतन की ये तो ले लीजिए आइए देखिए ये सम्मान इसीलिए है कि सम्मान के लिए नाम बोला जा रहा और सम्मान लेना नहीं चाहते एक बार जोरदार तालियां ये इसी गुणों का इसी उदारता का और इसी सरलता का सम्मान है चलिए और ये गुणायतन की अनुकृति जो उनको हम भेंट कर रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और अशोक जी से निवेदन है कि आज के हमारे जो नए परिवार के सदस्य जुड़े हैं उनका सम्मान करने का गौरव हमें प्रदान करें जी मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री सम्यक जैन श्रीमती दिव्या जैन सज्जन भाई शांति भाई जैन बूंदी राजस्थान हैं आइए शीघ्रता के साथ आ जाएं जल्दी आइए निर्माण निधि से सूत्रधार के साथ जुड़े हैं श्री हेमंत जैन किरण जैन गौरव रिचार्ज जलस सुबी जैन अभिरल जैन भोपाल मध्य प्रदेश आइए हाँ आज जो भी हमारे नए परिवार के सदस्य जुड़े हैं उन सबका सम्मान हमारे गौरव और संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी जी करेंगे मार्गदर्शक गुणायतन के श्री अशोक जी निर्देशक गड़बड़ करते हैं और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी को कि वो भी आए और तालियां बस्ती नहें हेमंत है। जी हेरन जी और इसके बाद ट्रस्टी के रूप में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री चंद प्रकाश जी जैन उर्मिला प्रियंका सुरवी दिव्या तनिक्स जैन सवदरा परिवार केसवराय पाटन बूंदी राजस्थान हैं शीघ्रता से आ जाएं जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा हाँ गुरुदेव के वरदानी छांव में रहें चलिए हेमंत जी किरण जी आ रहे हैं जी आपको करना है आ, सारे सम्मान आपको ही करना है ये गौरव हैं न्यवस्था आ चलिए हाँ इससे समय हमारा ज होता है चलिए दूसरा नाम ये सम्मान हो रहा है चंद्र प्रकाश जी उर्मिला जी प्रियंका जी सब, सब दरा परिवार के पाटन उससे पूर्व हेमंत जी किरण जी जोरदार तालियां और अगले संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी सुमन जैन आलोक निधि युवान पूर्वाजैन विदिशा मध्य प्रदेश ट्रस्टी। इस, हाँ ट्रस्टी गुणायतन हाँ चलिए अब ये हमारे सिस्टम भी जो है केशव राय पाटन बूंदी राजस्थान परिवार चंद्र प्रकाश जी उर्मिला जी प्रियंका जी सुरवी जी दिव्या जी इसी के साथ हमारे सेवायतन से हाँ सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े श्री सुरेश रजनी पांड्या मुंबई आ जाएं जी उस तरफ ये विदिशा परिवार का सम्मान हो रहा है सुरेश रजनी पांड्या जी मुंबई सेवायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं और सेवायतन ट्रस्टी के रूप में बिना ये हैं विदिशा श्री सुरेंद्र कुमार सुमत जैन आलोक निधि युवान जैन विदिशा मध्य प्रदेश गुणायतन संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं जोरदार करतल धनी सुरेश रजनी पांड्या मुंबई ये सुरेश रजनी पहाड़िया मुंबई जी श्री इसके बाद श्री विनय माला देवी काला गया ये भी सेवायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं इसके अगले क्रम में श्रीमती अंशु जैन सुधीर जैन रायसेन अंशु जैन सुधीर जैन रायसेन उपस्थित हैं जी चलिए और ये सम्मान हो रहा है विनय माला देवी काला गया का जो कि सेवायतन ट्रस्टी के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं अगले सेवायतन ट्रस्टी के रूप में आज हमारे परिवार से जुड़े श्रीमती अंशु जैन सुधीर जैन रायसेन आए और अगला नाम इसी सूची में है श्री रमेश जी गुणमाला काला हैदराबाद ये भी आज गुणाय सेवायतन ट्रस्टी के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं और कुछ नाम मेरे हमारे पास और हैं निर्माण सारथी के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े श्रीमती देवी जैन मातेश्वरी प्रवीण कुमार प्रदीप कुमार आलोक जी जैन दैनिक विश्व परिवार झांसी शीघ्रता से आए हाँ रमेश जी गुणमाला जी काला हैदराबाद गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आज सेवायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं दैनिक विश्व परिवार से प्रवीण जी जैन हमारे बीच में हैं और सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री संजीव कुमार सारिका जैन बड़कुल अशोकनगर मध्य प्रदेश चलिए जी बड़कुल जी अशोकनगर मध्य प्रदेश आइए और इसके बाद स्तंभ इस के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं सागर परिवार उनको भी हाँ बड़कुल जी ये दैनिक विश्व परिवार है और ये सुरेंद्र कुमार संजीव कुमार जी सारका बीरंजैन अशोक नगर मध्य प्रदेश और इसके पश्चात स्वर्गीय गेंदाबाई बाबूलाल जैन कुमारी पुष्पा शशि कमल कल्पना कमल अंगूरी ऋषभ राजकुमारी कार्तिक कीर्ति अमित आदर्श दर्श जैन चंद्रशेखर वार्ड सागर मध्य प्रदेश ये स्तंभ के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं हम इन सभी परिवारों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और इनकी अनुमोदना करते हैं में एक एक सम्मान और है और एक सम्मान जो बहुत अति विशिष्ट सम्मान है मैं उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जो गुणायतन जो गुणायतन आकार ले रहा है जो वहाँ पर ज्ञान मंदिर बन रहा है उसकी परिकल्पना और उसके परिकल्पना को आकार दे रहे हैं श्री अनुराग शिल्पी सोनिया मुंबई जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और जिन्होंने इस सौभाग्य के साथ साथ गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक बनने का भी सौभाग्य प्रदान किया है हाँ प्राप्त किया है पुराने हैं और ऐसे इसलिए उनको बधाई भी देता हूं और वो कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो उसकी शुभकामनाएं भी इस सभा की ओर से देता हूँ जोरदार करतल ध्वनि हाँ अनुकृति गुणायतन अनुकृति भेंट कर रहे हैं देखिए है, आज ये गौरव के क्षण दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और ये फोटो चित्र जब भविष्य में देखा जाएगा तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि सम्मान करने वाला और सम्मान जिसका हो रहा है दोनों अपने आप में सम्माननीय हैं एक बार जोरदार करतल ध्वनि इसके लिए और मैं अब जिन महानुभावों के नाम ले रहा हूं वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीमती कुसुम जैन नागपुर इन्होंने एक सोने की अंगूठी गुणायतन में स्वर्णकार हेतु समर्पित की है श्रीमती सरिता जैन नागपुर इन्होंने सोने का टॉप समर्पित किया है श्रीमती आशा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय राकेश जैन रोहित बिक्की जैन सागर इन्होंने भी एक स्वर्ण की अंगूठी जो है गुणायतन स्वर्ण कार हेतु दान दी है निर्माण निधि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री नितिन मोहन लाल शाह पुणे श्रीमती कविता श्रीवास्तव परिवार ग्वालियर आरजा लोहाड़िया सुपुत्री अनुभव रीत का लोहाड़िया जयपुर सौ निर्मला पूणाले जयसिंहपुर कोलापुर इन सभी महानुभावों के हम भावों की जोरदार करता ध्वनि से अनुमोदना करते हैं और बंधुओं आज इस ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान के क्रम में एक ऐतिहासिक घड़ी और जुड़ने जा रही है और आज की जो शांति धारा हुई थी उस शांति धारा के निमित्त से दयोदय महासंघ के लिए इस सभा ने कुछ सहयोग राखी जो है प्रदान की है मैं उन सब के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ श्री अतुल लधानी शीतल निहाल वंदना लाधानी बक्सरा गुजरात ग्यारह लाख ग्यारह हज़ार एक सौ ग्यारह रुपया श्री कैलाश चंद जी निर्मला जी मोहित जी प्रियंका मंत्रजन कथा वाला परिवार कानपुर पांच लाख पचपन हजार श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी एक लाख इक्यावन हजार श्री जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदिवीर माया क्रांति शिल्पी अनुश्वर सौदिया गड़ाकोटा दो लाख इक्यावन हजार श्री विनय जैन करुणा सम्यक कुमार नेहा सोनल प्रवेश निशांत विनी जैन दिल्ली इनके दो लाख पच्चीस हजार कुल राशि है इनमें अलग अलग नीनू जैन इक्यावन हजार कैलाश जैन इक्कीस हजार योगेश जैन ग्यारह हजार नरेश अतुल रजनीश पंकज लक्ष्मीचंद चंद इन सभी ने और सत्या जैन अनिल अभिषेक जैन ग्यारह ग्यारह हज़ार प्रवीण जैन विनय जैन पच्चीस पच्चीस हज़ार पंकज जैन मनोज जैन मनीष मनीषा जैन इन्होंने सभी ने इक्यावन सौ की राशि देकर के कुल राशि दो लाख पच्चीस हज़ार रुपये समर्पित की है विजय जी श्राव की कोलकाता एक लाख पदमचंद जैन ललित कुमार नवीन प्रवीण ब्रजेश मूलचंद हरक चंद जैन भोपाल इक्यावन हज़ार मोहन लाल गंगवाल हीरादेवी विकास प्रीति अर्णौ सुधा विशाल निशा गंगवाल गुवाहाटी इक्यावन हज़ार श्री महेंद्र कुमार जैन चमेली अनिल सुनील संदीप निमित चिराग अनाय जैन इक्यावन हज़ार श्रीमती राजप्रभा सेठी अशोक सेठी श्रीमती ममता आदित्य विद्यमा आकाश विशाल सेठी कोलकाता इक्यावन हज़ार श्री मनीष जैन कविता जैन मैत्री विभू जैन रोहतक इक्यावन हज़ार ब्रह्मचांडी सुनीता दीदी प्रेमचंद पदम कुमार पारस अनिता रश्मि पूनम प्रिंसी जैन बांसा इक्यावन हज़ार श्री विनोद जी काला किरण काला पूजा राहुल ऋतुम सौरभ काला कोलकाता इक्यावन हजार श्रीमती गुणमाला सोगानी पद्म रेणु आलोक प्रेमला पुष्पा शकुंतला आयुषी दीपका जयपुर इकसठ हजार श्री एनसी जैन अविनाश अमित स्वाति तृप्ति दीक्षा जैन दिल्ली इक्यावन हज़ार श्रीमती जी पाटनी नीरज नीलियांशा जयाक्ष पाटनी रांची इक्यावन हज़ार श्री सुभाष पूनम अनिकेत मधुरमा नाही गुणायतन इक्यावन हज़ार सी ए प्रमोद जैन साधना स्वप्निल श्रेया सोमैल जैन सपरिवार पुणे इक्यावन हज़ार ब्रितीश रावक श्री डीसी जैन महक एरिस जैन जयपुर इक्यावन हज़ार राजकुमार सुलोचना अमित अमीशा अभिषेक प्रदीप सालनी अरविंद जैन मुंबई इक्यावन हज़ार सौ स्वाति संदीप मेहता पुणे इक्यावन हज़ार श्री अशोक कुमार बगड़ा शशि प्रभा बगड़ा मंडल क्रमांक पचपन गुवाहाटी इकतीस हज़ार ब्रह्मचारिणी दीदी विजयलक्ष्मी जी अभय श्रीमती सलोचना जैन नेमावर फरीदाबाद इक्कीस हज़ार श्रीती उमा देवी नायक पीसी नायक नीना नायक राकेश ममता निखिल परदिजन मंडल क्रमांक बहत्तर सागर इक्कीस हज़ार श्री अशोक कुमार बाकलीवाल रेखा अरंत महाक्यान बाकलीवाल रायबलेदी इक्कीस हज़ार ब्रह्मचारिणी विजयलक्ष्मी जैन कैलाश चंद आशीष ज्योति दर्शन पर्व पंकज जैन मंडल क्रमांक तिरानबे कोपरगाव इक्कीस हज़ार श्री सुनील हर्ष प्रीति नव्याज मेरा हनी आदित्य बेनाड़ा हजारीबाग इक्कीस हज़ार ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी इक्यावन हज़ार श्री डी के मल जैन मलय जैन सुकुमार सरिता जैन मंडल क्रमांक उनहत्तर बिलासपुर इक्कीस हज़ार श्री सुमत चंद जी सचिन सावत श्रेयस अर्मा जैन सोनल शास्त्री दिल्ली दोगौड़ा परिवार इंदौर इक्कीस हज़ार श्री भागचंद जैन विमल कुमार जैन पांडिचेरी इक्कीस हज़ार श्री विजय कुमार गंगवाल पुष्पा देवी रविंद्र निसार राजीव आराम यौवाना गंगवाल गुवाहाटी इक्कीस हज़ार श्री सुशील चंद जैन गाजियाबाद इक्कीस हजार शिखर चंद जैन सत्यनजैन गंजवासोदा इक्कीस हजार श्री मदन लाल गंगवाल बिवेला प्रदीप जैन जयपुर मुजफ्फरनगर इक्कीस हज़ार श्री सुनील जैन प्रतिभा सांवी सविता देवेंद्र रश्मि ज्ञानवाला अनिल सिखा जैन जबलपुर इक्कीस हजार श्री डालचंद जैन सरोज मंकज दीपाली भव्या जैन मंडल क्रमांक नब्बे ग्रेटर नोएडा छब्बीस हजार कामनी रत्नाकर मंडल क्रमांक तिरसठ जलगांव इक्कीस हजार अनिल जैन अनिमेश अनिकेश श्रीमती ममता दिव्य अर्पित जैन अशोकनगर इक्कीस हजार सुब्रा सुमनलता देव कुमार इक्कीस हजार सुदेश जैन शैली समर्पण जैन देवरी इक्कीस हजार ससांग दीपक प्रिया राहुल अभिषेक दोषी पुणे सत्ताईस हजार दिनेश कुमार संध्या कृष्णा भाई ऊषा दीदी मालती जैन सागर इक्यावन हज़ार चक्रेश जैन सुनीता संकेत जैन पटना वाले सागर इक्यावन हज़ार विजय कुमार मंजुलता जैन अनुजा हीरा जैन हीना जैन सागर इक्यावन सौ देवेंद्र कुमार जैन साजन संगीता हिमानी जैन सिंग इक्कीस हज़ार कैला चंद मीना शुभम पारुल जैन सिलवानी इक्कीस सौ श्री देवेंद्र सोदिया शशि सोदिया सागर विमल गोदा सरोज पुल के रिस महेंद्र रितेश गोदा इक्यावन इक्यावन हज़ार श्री महेंद्र कुमार गंगवाल सुनील कुमार गंगवाल गया एक लाख श्रीमती पुष्पा भाई जै अरविंद राजा जैन ग्यारह हजार विकास सेठी प्रीति सेठी सुरेश कुमार जैन इक्कीस सुरेश कुमार जैन टीकमगढ़ इक्यावन हजार ज्ञानन्द ममता सुविध नित का श्रियांश नित्या नरेंद्र राहुल विजेंद्र आशीष जयपुर पैंतीस हजार राजकुमार अमित अभिषेक जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी इक्यावन हजार सचिंद मोदी सविता आशुतोष सविता मोदी तेंदूखोड़ा इक्कीस हजार वीरेंद्र मोदी अनुराग अंकित उत्तम चंदजन तेंदू खोड़ा इक्कीस इक्कीस हजार अनिल मंजू अमितेश अंशिका जय कुमार बीरेंद्र मीना प्रीति जैन कटनी इकतीस हजार देवेंद्र कुमार अजय कुमार गुना अजय कुमार जैन परिवार दिल्ली श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा आगरा दिल्ली श्री मिथुन धवल शाह धन कुमार शाह सुनील भस्मे सोलापुर सौदना सुभाष शाह मेहता प्रिया उत्सर पूनम संदेश शिल्पा चंद्रमोहन सुरेखा सुभाष कोठारी नीलम चंद्रमोहन शाह सीमा मेहता वैशाली वीर कुमार मेहता कलबुर्गी इन सभी ने इक्कीस इक्कीस हजार रुपये श्री वैभव अशोक लाल कोठारी अलका दीपाली सनम सेवा कोठारी नायक ग्यारह हजार रुपये देवेन कुमार कुसुम देवी गंगवाल सूरत अरविंद आशीष कुमार किरण नेहा सिद्धार्थ कुहू स्वस्ती बड़कुल जबलपुर सुभाष चंद जैन श्रेयांश डॉली श्रेया सौम्या जैन चूचू भाई दिल्ली राकेश कुमार जैन नागपुर आरसी जैन श्रीमती सुषमा जैन जबलपुर चंद्र प्रकाश जैन उर्मला प्रियंका सुरवी दिव्या जैन केशवराव पाटन बूंदी सिंगई महावीर जैन ममता जैन भोपाल पारस चंद आशा जैन पापड़ीवाल रायपुर इन सभी ने इक्कीस इक्कीस हजार रुपये की, की, की राशि प्रदान की है श्री प्रदीप जैन रचना सजल निकता सुलभ अवनी सुलभ मुक्ता सगुन जैन दिल्ली तीस हजार रुपये श्री अनिल ममता राजेंद्र गीता प्रवीण नमन आलिशा यशका निकता शुभम युक्ति जैन राजेंद्र गीता जैन गन्नौर परिवार इक्यावन हजार रुपये भरत एन शाह नरसिंहपुर समाज बड़ौदरा श्री उश आर शाह नरसिंहपुर समाज बड़ौदरा अखिलेश जी अपूर्व वसीम अरु मेरू श्री बाबूलाल सतभैया टीकमगढ़ इन सभी ने ग्यारह ग्यारह हजार रुपए की राशि प्रदान की है। श्री प्रेम च... जी, बस बोले। बोले। श्री प्रेमचंद, जी, हैूह गौरव नाम का नीरज पायल जितासा, शुभंकर हितसा उपकार परिवार सागर श्रीमती उषा अक्षत जैन सबरवार मुंबई डॉक्टर विमल विनोद संजीव महेंद्र शशि पुष्पा जैन गुना राजीव पाटनी सुपुत्र रविंद्र आशा आकांक्षा आरसिया पाटनी गोवा देवेंद्र अनीसा अनीता श्रीमती प्रभा निर्मला श्रीमती ओशी जैन बीना प्रेमचंद भूपेश कुमार कमलेश जैन जबलपुर योगेश कुमार जैन आर के जैन अजय गुलाबचंद जैन श्यामली चंद्र प्रकाश जैन उर्मला जैन नोएडा नरेंद्र पांड्या प्रिया पांड्या डीमापुर सुनील जैन रजनी जैन रायबरेली अमर कुमार जैन अतसय जैन दमोक खेमचंद जैन मनोज जैन राजीव जैन नवीन जैन दिल्ली श्रीमती सुमन जैन सुरेंद्र कुमार जैन विदिशा सुरेश चंद्र सज्जन लाल जैन बेंगलोर अशोक कुमार जैन छोटे लाल गांधी अहमदाबाद अमरचंद जैन रविकुंज गांधीबाद आवा, गाजियाबाद कैला चंद कांतन नवीन कुमार जैन लाड़बाई पुष्पचंद प्रेमलता मधु नीलम जैन उज्जैन जयंत काले अमरावती विनय कुमार जैन रायपुर प्रेम भाई जैन राझी संदेश जैन श्वेता आर्यन आध्या जैन मुरादाबाद इन सभी ने इक्कीस इक्कीस हजार रुपये की राशि प्रदान की है श्रीमती कीर्ति जैन कुणाल मणाल जैन दिल्ली इक्यावन हजार विनोद कुमार कामरा देवेंद्र कुमार कामरा परिवार प्रदर्शनी जैन बंडा ललितपुर बयालीस हजार रुपये अनिल कुमार जैन ग्यारह हज़ार रुपये और श्री दीपचंद महेश छावड़ा इक्यावन हजार रुपये प्रदीप कुमार जैन मालती जैन हटा इक्यावन हजार रुपये अरुण बाबू चौगले श्रीमती सरोज जैन डालचंद जैन ग्रेटर नोएडा श्रीमती प्रतिभा जैन सुनील कुमार जैन जबलपुर अरुण बाबूराव चौगले कोल्हापुर राजेंद्र रत्नचंद साहब भारती साहेब चंदनवाला साहेब ठाणे श्री अशोक जैन ठेकेदार बंडा रमाकांत सुजाता कोठारी नागपुर श्री रजनी दिनेश कुमार निधि आदित्य नेहा अनुराग नाम का अग्रिम अनुपेक्षा नैतिक आनया जैन शिवनी आनंद बिलानी लल्लू भाई सागर इन सभी ने इक्कीस इक्कीस हजार रुपए की, की राशि प्रदान की है और श्री राजा भाई शाह सूरत इकतीस हजार रुपए इसके अतिरिक्त एक ट्रॉली भूसा श्रीमती पुष्पा भाई अरविंद राजा जबलपुर नीपेन्द्र सिंह जैन नोएडा जिनेन्द्र जैन रश्मि जैन नोएडा रमेश गुणमाला जी काला हैदराबाद एकता राकेश इसका श्वेता मायरा जैन नागपुर और पन्ना लाल सुरेश, चन, जैन अनिल जैन कल्पना शुभम स्वर्वी जैन कानपुर श्रीमती पायल अरविंद जी पेठी हजारीबाग श्रीमती नीतू जैन नागपुर उन्होंने भी एक ट्रेला भूषा की घोषणा की है श्री सुरेश सरिता पाटनी कोलकाता जीप दया के लिए इक्यावन हजार रुपये की राशि की घोषणा की है श्रीमती मंजुलता नैन जितेश नेहा अथर्व जयपुर ग्यारह हजार रुपए और पारस गंगवाल अभिषेक हजार रुपये की राशि प्रदान की है इसके साथ सुरेश सुरेश कोलकाता, कराने का भी भाव प्रेषित किया है प्रदीप हर्ष जय पांड्या रांची इक्कीस हजार रुपए की राशि श्री रेणु राजेंद्र जैन पंकज रांची इन्होंने ग्यारह हजार रुपए की राशि जीपदया और इकतीस हजार रुपये की राशि पूजन सामग्री के लिए प्रदान की है हम इन सभी भावों के और पंडित सुदर्शन जी शास्त्री जो मेरे बगल में खड़े हैं सुदर्शन श्रेयस प्रज्ञा विशेष जैन प्रज्ञा चिंतन परिवार पिंड रही इन्होंने ग्यारह हजार रुपए की राशि जीव दया में प्रदान की है इन सभी के भावों की हम जोरदार करता ध्वनि से अनुमोदना करते हैं तालियों का महोत्सव होना चाहिए यह राशि आज सभी गुणायतन में जमा करा दें ताकि हम गुणायतन की ओर से दयोदय महासंघ को हम ये राशि भेंट कर सकें चलिए और हमारा जी हाँ और जिनका नाम यहां पर रह क्या हो बहुत प्रसन्नता का विषय है मेरा हमेशा कहना रहता है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता तब तक नहीं होती जब तक जीव दया का कार्य न हो और इसलिए इस मंच से हर धार्मिक आयोजन में दयोदय महासंघ के लिए एक अच्छी राशि दी जाती है इस बार भी 108 मंडली विधान है तो मैं गुनायतन के पदाधिकारियों से अपेक्षा रखूंगा कि 108 का ही हिसाब होना चाहिए और ये आप जितने लोग हैं अपनी ओर से जो आप लोगों ने अपनी अपनी राशि दी है वो राशि गुरायतन के माध्यम से हमेशा जाती है अभी भी प्रेमचंद जी हमेशा कहते हैं एक मिनट आकर के वो अपनी बात भी कहेंगे देवोदय महासंघ को इस मंच से अब तक बहुत अच्छी भरपाई होते रही है वो आप बताएंगे कि उनके कुल आय का कितना प्रतिशत इस मंच से जाता है और मैं ये भावना रखूंगा कि 108 मंडली विधान है तो आप सब मिलकर 108 का फिगर पूरा कर दे और आप जब दे सो दे इनको चेक कल ही उपलब्ध करा दिया जाए यह व्यवस्था बनाए बोलिए संत सु आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की मुनि श्री एक श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की समस्त मुनि संघ की गुरुदेव दयाोदय महासंघ ऐसा सोचता है कि आप हैं तो दयावोदय महासंघ है जोरदार करता धोनी कोई भी मंच आचार्य श्री के अलावा और कोई भी मंच ऐसा नहीं है जहाँ से जीव दिया के लिए इतनी सारी राशि हमको मिलती पीछे अभी अमरकंटक में हम लोगों ने 35 ट्रैक्टर आपके सहयोग से प्रति ट्रैक्टर चार लाख रुपए दुगणायतन से हमको मिला और हमने उनको वहाँ वितरित किया आचार्य श्री के मंच से और अभी भी इसके मतलब पहले जो विधान हुए हैं जितने भी विधान हुए सब में प्रति विधान में इक्यावन लाख रुपए की राशि हमको मिली तीन बीच में पंचकल्याणक हुए तीनों पंचकल्याणक में मिला के अड़तालीस लाख रुपए वो हमको मिला लगभग साल में लगभग तीन करोड़ रुपए हमको तीन से चार करोड़ रुपए की राशि यहाँ से प्राप्त होती है पाँच से छः करोड़ रुपए हम बांट पाते हैं और आप खुद ही अंदाज लगा लें कि कितनी बड़ी राशि की भरपाई यहाँ से हमको होती है बस मैं इसके लिए गुड़ायतन कमेटी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव आपके चरणों में तो हम लोग हमेशा सब निवेदन करते और मांगते ही रहते हैं बहुत और आपके यहाँ से हमारी पूरी भरपाई होती है बस इतना ही कहूँगा सभी को जय जने आपके आप, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार दया महासंघ करता है सबका धन्यवाद सबको जय जने देखिए एक बात मैं पुनः कहूँगा अपने जीवन में किसी भी मांगलिक प्रसंग पर जीव दया का कार्य जरूर करना चाहिए मेरा अनुभव है कई ऐसे प्रसंगों में मैंने देखा कोई सीरियस केस हो कोई एक्सीडेंटल केस हो अब तब की स्थिति हो जब वो लोग आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं मैं उनसे कहता हूँ पहले जीव दया का काम करो और आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा 90 प्रतिशत केस सुधर जाते ये दया के पुण्य का प्रताप है इसलिए जीव दया के क्षेत्र में कभी पीछे मत रहना मेरी इसीलिए इसमें रुचि है क्योंकि ये बहुत प्रबल पुण्य के बंध का कारण बनता है और आप लोग जब भी कोई मांगलिक अनुष्ठान करें इसके साथ ही जन्मदिन हो कोई वैवाहिक वर्षगांठ हो और कोई आपके जीवन का शुभ प्रसंग हो तो आप जीव दया का कार्य जरूर करें इससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि सबकी वृद्धि होगी चलिए शुरू करिए और आज के इस शंका समाधान के इस सत्र में प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंडल क्रमांक अड़तालीस से श्री दीपचंद जी महेश छावड़ा मुंबई वो तैयार रहें और तब तक ये घोषणा और है देखिए इस सूची में एक नाम और जुड़ा है प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर इसके सभी जो स्वयं सेवक हैं इन्होंने अपनी ओर से इक्कीस हज़ार रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रेषित की है बहुत बहुत देखिए पर्ची आई थी इक्कीस और भाव बन गए इक्यावन जोरदार करतल ध्वनि और हमारे अमित शास्त्री जी इनका भी मन बना है रुपए की राशि इनकी ओर से भी हम सबको करते चलिए मंडल क्रमांक अड़तालीस प्रश्न और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक पचास परम पूज्य गुरुवार के चरणों में मेरे पूरे परिवार के सहित कोटिशे नमोस्तु गुरुवर सम्यक दृष्टि की अपेक्षा श्रावक की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा क्यों होती है तत्वार सूत्र के नवमे में ध्यान में देखिए दो व्यक्ति है एक व्यक्ति है जो भटका तीन व्यक्ति है एक व्यक्ति जो भटका हुआ है दूसरा व्यक्ति वह है जिसको रास्ता पता लग गया लेकिन वहीं बैठा हुआ है और तीसरा व्यक्ति है जो रास्ता जानने के बाद भले थका है पर चल रहा है मंजिल पर कौन पहुंचेगा? <laughs> जो चल रहा, चल रहा है वही। तो बस भटका हुआ मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि को रास्ता तो पता है पर बैठा हुआ है अभी चलना ही शुरू नहीं किया तो निजरा कैसे होगी और जो श्रावक और मुनि है वो चल रहे हैं मुनि थोड़ी तेज गति से श्रावक धीमी गति से इसलिए चल रहे हैं अतः कर्म कट रहा है नमोस्तु <laughs> मंडल क्रमांक पचास से श्री सुनील जैन रजनी जैन रायबरेली तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक बावन जल्दी महाराज श्री रायबरेली जैन समाज एवं बाकलीवाल परिवार का साधन नमोस्तु महाराज श्री राग और द्वेष में केवल पाप का बंद होता है या पुण्य का भी बंद होता है अगर हम व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हमारा अशुभ बंद होगा देखिए राग द्वेष से बंद होता है पुण्य भी बनता है और पाप भी बंधता है अब आप कहोगे राग से पुण्य का बंध तो समझ में आता है द्वेष से पुण्य का बंद होगा क्या है ना? तो मैं आप सबके सामने एक कहानी का सार रखूँगा एक सुकर था और एक शेर था दोनों में लड़ाई हुई थी कि नहीं तो दोनों लड़ रहे थे उस समय दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष था कि राग हाँ द्वेष था हम सबको कहानी पता है शेर कहाँ गया पता है आपको कहानी क्यों नहीं, नहीं है पता कहानी सुनानी पड़ेगी क्या मुझे ये कहानी तो आप लोग बच्चों बच्चों को पता होना चाहिए और जिनको पता नहीं है तो YouTube पर प्रमाणिक कहानियों को सुनना शुरू कर दो बच्चे सुनते हैं बड़े भी सुन लेंगे तो सब कहानियाँ याद हो जाएगी एक मुनिराज की रक्षा के लिए शेर से बचाने के लिए सूकर शेर पर टूट पड़ा दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ और एक साथ दोनों मरे शेर मरकर नरक गया और सूकर मरकर स्वर्ग गया दोनों का एक दूसरे के प्रति द्वेष था पर शेर का महाराज के प्रति भी द्वेष था उनको खाना चाहता था और सुकर महाराज को बचाना चाहता था तो महाराज को बचाने के राग से शेर से द्वेश हुआ तो वो द्वेश भी उसका पुण्य का कारण बन गया धर्म संस्कृति और अपने देश की रक्षा के लिए यदि किसी से द्वेष भी होता है तो प्रयोजन अच्छा होने का परिणाम अच्छा होता है ऐसा समझना चाहिए मंडल क्रमांक बावन श्री अमर कुमार अत्य जैन दमो तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक चौवन ओ हलो मुनि श्री मुनि संघ को हाँ मुनि संघ को नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में क्षामी समस्त गुणान्वन परिवार के व्यवस्थापकों को आवास भोजन तथा विधान व्यवस्था संगीतकार सभी को उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए मंडल क्रमांक बावन के सदस्यों वैशाली नगर दमोदरा कुरपुर कमेटी की ओर से प्रणाम करता हूँ मेरा प्रश्न है आज से 30-35 वर्ष पूर्व प्रत्येक जिला तथा तहसील स्तर पर जैन सेवा दल हुआ करते थे जो कि पंचकल्याण महोत्सव तथा साधु संतुओं के बिहार में ड्रेस पहनकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे आज जैन समाज के युवक युवती पुलिस विभाग तथा मिलिट्री में भी सेवाएं दे रहे हैं परंतु सेवा दल कुछ ही बचे हैं मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में तीर्थों की सुरक्षा तथा साधुओं की सुरक्षा हेतु सेवा दल की बहुत आवश्यकता है अतः इन्हें पुनर्नवीन व्यवस्था करने प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है और ऐसा होना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा लेकिन मुझे मालूम है ऐसा बहुत कठिन हो गया इसके कई वजह हैं पहले एक पिता की कई संतानें होती थी तो लोग फ्री रहते थे और पहले चार जने मिलकर एक धंधा करते थे लोगों के पास वक्त रहता था अब एक व्यक्ति चार धंधा करता है वक्त नहीं संतान भी एक ही रह गई तो ये समस्याएँ हैं दूसरी आज आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक युवती सब महानगरों में सिमट गए अब तो आप सेवा दल की बात करते हैं हम तो देखते पाँच पाँच हज़ार स्क्वायर फुट का घर है और रहने वाले केवल दो सीनियर सिटीजन सबके बच्चे ही बाहर मैं एक शहर में युवाओं की मीटिंग लिया और युवाओं की मीटिंग हमारा प्रवास था मैंने सोचा यूथ्स को मोटिवेशन देने के लिए मीटिंग करें बुलाया तो उस यूथ की मीटिंग में आप सुनकर के आश्चर्य करोगे एक शहर की बात है शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ 18 से 25 साल के कुल तीन थे मैगजिम जितने थे वे सब 45 प्लस वाले थे मैंने बोला क्या बात है तुम्हारे गांव में युवा नहीं है बोले महाराज हम लोगों को युवा मान लीजिए हमारे सब बच्चे बाहर हैं सबके बच्चे बाहर हैं आप हम लोगों घरों में जाओगे तो घरों में सब सीनियर सिटीजन हैं तो बदली हुई सामाजिक स्थिति में बहुत दिक्कतें आ रही इसलिए अब सब कामों में इवेंट की शुरुआत हो गई इवेंट मैनेजमेंट वाले को बुलाना पड़ता है और वही लोग सारा काम करने लगे हैं ये बहुत चिंतनी है इसके लिए मैं एक दूसरा प्रस्ताव देता हूँ वो शायद कुछ व्यवहारिक बने उसमें क्या करना चाहिए अब पुरुष सेवा दल बच्चों को सेवा दल के रूप में रखना थोड़ा कठिन है तो रिटायरमेंट के बाद वाले 60 साल से ऊपर वाले सेवा दल में सम्मिलित हो सकते हैं वो अपना सेवा संगठन बना सकते हैं उनके पास अवसर और अवकाश है और महिलाएं भी इसमें भागीदारी दे सकती है यदि ये कार्य करें तो हम इस समस्या की पूर्ति बहुत अंशों में कर सकते हैं मैंने कई सेवा दलों को देखा है जिनकी स्थापना जिनने की पचास पचास साल हो गए सागर में एक बाहुबली सेवा दल था अभी भी होगा शायद वो गुलाब चंद जी पटना वालों के जमाने में बनाया गया था दिलमती माता जी के पिता श्री थे जिनकी अभी कुछ दिन पूर्व समाधि हुई उन लोगों ने बनाया था और मैंने देखा कि वहाँ कार्यक्रमों में बाहुबली सेवा दल के सत्तर सत्तर साल के जवान जी जी तो तो जवान ही कहूँगा खाकी कपड़ा जी जी पहन करके अपनी सेवाएं देते जी जी तो इसका मतलब है दिया जा सकता राजस्थान में भी एक जयपुर में एक सेवा दल क्या नाम भूल रहा हूँ मैं उनके संगठन का वीर सेवा दल वीर सेवा वो सब आते थे मोर्चा संभालते हैं तो ये काम किया जा सकता है और ऐसे भी महाराष्ट्र में तो युवा भी मिल जाते हैं पर मेरा कहना है कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है और प्रायः रिटायरमेंट के बाद लोगों के मन में बड़ी हताशा सी आ जाती है अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें काम रहता नहीं बेटा बहु पास में नहीं परिवार का विस्तार नहीं तो इस तरह की गतिविधियों से जुड़ जाएंगे तो आखिरी समय तक जवान बने रहेंगे कुछ सोचने की बात नहीं महाराज जी, एक बार सब लोग हाथ जोड़ लें और गुरुदेव को नमोस्तु करें हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तो 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 और अगर आप गुणायतन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दें और आगे आगे के मंडल पुण्यजकों से निवेदन है कि आपका नमोस्तु और धन्यवाद का काम हमने सामूहिक रूप से कर दिया है अब आप सीधा सीधा अपना प्रश्न करें धन्यवाद मंडल क्रमांक चौदह मास्टर खेमचंद जैन मनोज जैन राजीव जैन नवीन जैन दिल्ली और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक छप्पन जैन समाज समाजगढ़ की तरफ से ओम ह्रीम लाभ अंतराय कर्म घातक सिद्धाए नमा का क्या मतलब है महाराज जी लाभ को बढ़ाने के लिए कैसे ओम ह्रीम लाभांतराय कर्म घातक सिद्धाय नमः भैया सिद्ध परमात्मा ने सब अंतराय कर्म का क्षय किया कि नहीं किया पहले ये बताओ किया है महाराज जी तो उसमें उनके लाभांतराय कर्म का भी क्षय हुआ कि नहीं हुआ हो तो हम लाभांतराय कर्म घातक सिद्धाय नमक का अर्थ है उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं जिनने अपने लाभांतराय का घात कर लिया तुम बनिया अपना हिसाब लगा लो कि मेरे लाभांत राय का घात करने वाले सिद्धों का नमस्कार <laughs> तो बात अलग है आप लोग मतलब का अर्थ निकाल लेते हो हालांकि ये अर्थ भी उसमें से निकलता है कि हमारे लाभांत राय का घात करने के लिए सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो पर मैं कहता हूँ सिद्ध को नमस्कार कर लो अंतराय अपने आप टल जाएगा मंडल क्रमांक छप्पन श्रीमती सुमन सुरेंद्र कुमार जैन विदिशा और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक अट्ठावन गुरु जी मेरा प्रश्न है कि अपने ही लोगों से निरादर कर अपने ही लोग जो निरादर करते हैं ऐसी जगह जाना उचित है क्या यदि नहीं बोलिए फिर से बोल जैसे मेरा प्रश्न है कि अपने ही घर के लोग यदि अपना निरादर करते हैं तो ऐसी जगह जाना उचित है क्या यदि नहीं जाते हैं तो क्लेश होता है तो मैं मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ना क्लेश हो और ना मुझे जाना पड़े <laughs> न कलेस हो न जा रहे देखिए ऐसा तो कहा गया है कि जहाँ आपका अनादर हो वहाँ नहीं जाना चाहिए उस प्रदेश में न तिस्टेट क्या तुलसी आवत ही आवत ही दिशे नहीं देखत ही दिशे नहीं नैनत विशेषने तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे जे और एक और है संस्कृत का भी एक श्लोक है जहाँ यत्र न सम्मानम तत्र न गंछेद तो जहाँ आपका आदर न दिखे वहाँ नहीं जाना चाहिए अब रहा सवाल नहीं जाने से क्लेश होने का तो उनसे सुरक्षित दूरी रखिए जाइए भी तो अपेक्षा मत रखिए और अपना काम करके निकल जाइए मंडल क्रमांक अठावन से श्री सुरेश चंद जैन सज्जन नमोस्त, नमोस्त। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक जीव कैसे होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं हम कैसे माने कि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं क्या लक्षण होते हैं हम कैसे माने कि हम सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि वो है जिसकी दृष्टि सही हो जाए जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा अनुरागी होता है जिसके हृदय में आत्मा के प्रति रुझान होता है जो आत्महित की तड़फ मन में रखता है और गहित मिथ्यात्व के पोषण से मुक्त होता है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की मूर्ता नहीं होती और सम्यक दर्शन के आठ अंगों का दिलता पूर्वक पालन करता है वो सम्यक दृष्टि मंडल क्रमांक अट्ठा साठ श्री प्रदीप कुमार मालती जैन दमो तैयार रहेंगे बासठ में मंडल क्रमांक बासठ ओम बोलिए नमो नमोस्तु गुरुवर आ, मेरा प्रश्न है कि श्रावक के शर्ट आवश्यक बताए हैं जिसमें देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप और त्याग है तो देव पूजा को पहले रखा है और त्याग यानी दान को सबसे बाद में रखा है जबकि आचार्य कुंदकुंद कुंद देव ने दान को पहले और पूजा को बाद में रखा है और दूसरा ये है कि बिंब दर्शन दर्शन तो का कारण बताया है लेकिन जिन भी तो में दर्शन तो आवश्यक में बताया ही नहीं है कृपया तो, अच्छा है बहुत अच्छा सवाल देव पूजा गुरुपास्थी आदि में देव पूजा को पहले और दान को सबसे अंत में बताया है और आचार्य कुंद कुंद ने बिल्कुल ठीक आपने कहा दान को पहले और पूजा को बाद में लिया लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ जो क्रम बताया है एक सदगृहस्थ के छह कर्तव्यों की बात की यदि वो पूजा करता रहेगा तब उसके मन में दान का भाव बना रहेगा अगर पूजा ही नहीं करेगा तो दान का भाव कैसे होगा आप लोग यहाँ सिद्धचक्र विधान में पूजा के नहीं बैठते तो जो दान किए वो कर पाते क्या तो पूजा दान के भाव को प्रशस्त करता है और पूजन के कार्य में जब आप पूजन करते हैं तो उसमें भी आपका द्रव्य विसर्जित होता है एक पूजन में जो आप द्रव्य अर्पित करते हैं वह भी एक प्रकार का दान ही है ऐसा समझना चाहिए और छः कर्म उन्होंने बताया तो किसी को पहले किसी को बाद में किया इसका मतलब ये नहीं कि इसे प्रमुखता दे दी इसे बाद में दे दी ये छह रोज करना है और छहों को बराबरी से करना ये उसकी प्रेरणा है इसलिए एक को कम एक को अधिक मानना ठीक नहीं है और जिन दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है तो में दर्शन भी जिनेन्द्र भगवान की पूजा का ही एक अंग है पूजा में दर्शन भी समाहित है समझ गए दर्शन और पूजा पूजा का मतलब है अपने भक्ति को प्रकाशित करना अष्ट द्रव्य के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है तो हम जब जिनबिम्ब के दर्शन करते खाली हाथ तो करते नहीं हैं हम द्रव्य लेकर के करते हैं तो अगर आप भाव सहित भगवान की वंदना भी करते हो तो वह भी एक प्रकार की पूजा है मंडल क्रमांक साठ प्रदीप कुमार मालती जन दमोह तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक मेरा प्रश्न ये है कि भी पूजा करते हैं तो फिर चावल नीचे गिर जाते हैं उस गलती को प्राप्त तो कैसे करें चावल नीचे गिर जाते हैं तो क्षमा की प्राप्ति कैसे करें सावधानी से रखो चावल ज्यादा मत गिरा और पूजन के बाद हम भगवान से क्षमा मांगते हैं ना बिन जाने व जानते हैं। और जैसे पूजा समाप्त हो उसकी सफाई कर दे ताकि उस पर पैर ना पड़े मंडल बन... बहुत सुंदर जोरदार करतन ध्वनि से हम इस बालका के भावों की अनुमोदना करें वही कोई ले लो उसका जी चलो बंडल क्रमांक बासठ अमरचंद जैन रवि कुंज गाजियाबाद सहारनपुर नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे हम लोग पुणे में रहते हैं और वहाँ नई जैन सोसाइटी बनी है तो उसमें क्या है सब हमारी उम्र के ही लोग रहते हैं यदि कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो सबके बच्चे छोटे छोटे हैं और सब लोग उसमें भाग लेते हैं अब बच्चे यदि बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो उनको हम लोग डाइपर पहना के ले जाते हैं यदि मान लीजिए डायपर पहना के नहीं लेके जाएंगे तो अनुष्ठान में कोई भागीदारी ही नहीं रहेगी किसी की सब लोग लगभग घर पे ही बैठ जाएंगे तो इस समस्या का क्या समाधान करना चाहिए इसका है, तो एक ही समाधान है कि घर में दादा दादी को जगह मिलनी चाहिए सर हम महराज जी मेरे तो दादी और दादा दादी घर में रहे तो बच्चे को खिलाया आप अनुष्ठान में रहिए हमारे यहाँ महराजी यही है कि दादा दादी को बोलो आप थोड़ा बच्चा संभाल लो हम आ जाते हैं अब डायपर पहन करके पहना करके बच्चों को आजकल लोग लाने लगे हैं ये अशुद्धि है धार्मिक अनुष्ठानों में इस तरह का कार्य होना हो सकता है विधान में भी दो चार डायपर पहना के बिठाए होंगे लेकिन ये उचित सा नहीं है ये असाधना है शरीर से मल बाहर निकल जाने के बाद वह अस्पृश्य हो जाता है इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए और ये सावधानी रखनी चाहिए अगर दादा दादी नहीं है तो आजकल तो सबके घर में मेड होती है और कोई व्यवस्थाएं होती है कोई अल्टरनेटिव ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए और तभी इसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए महाराज जी मान लीजिए अभी ऐसा हो मैं इसका समर्थन नहीं तो करूंगा नहीं नहीं। हो गया तो उसका प्रायश्चित लेना हाँ, चलो चलिए मंडल क्रमांक चौसठ आपकी मजबूरी इसलिए मैं कह दूं कि डॉक्टर पहना के जाने में कोई दोष नहीं।, तो नहीं है ये तो संभव नहीं हाँ, है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा का परिवेश जो हमारी शिक्षा का व्यवस्था है और जो हमारे जैन संस्कार हैं उन पर किस तरह से तालमेल बिठाया जाए मतलब प्रैक्टिकल हमें चीज़ चाहिए कि जिससे कि हम उनको व्यवस्थित कर सकें देखिए इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया गुरुदेव भी बार बार ये कहते हैं हमें इस तरह की शिक्षा की संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता है जहाँ शिक्षा के साथ जैन संस्कार भी हो प्रतिभा उसका बहुत उत्कृष्ट मॉडल है इस तरह के मॉडल को अगर हम आत्मसात करके करें तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि मेरा मानना है वर्तमान की जो शिक्षा नीति है इस नीति के अनुसार जब तक चलता रहेगा हम अपने व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे यथार्थ हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसकी जो शिक्षा पद्धति है उसे हम आत्मसात करें तभी हम भारत के मूलभूत स्वरूप को स्थापित कर पाएंगे मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद हमारी भारतीय व्यवस्था को बहुत छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसके कारण हमारे सारे संस्कार लुप्त तो होते जा रहे हैं और अगर उन्हें प्रतिष्ठित किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जी एक प्रश्न और है ये जो हम में जाप करते हैं इसमें आता है अष्टमहाभूति संगाई और पंचदश लक्षण संघाई इनका थोड़ा सा अष्टानिका में, में जो हम जाप करते हैं अष्टानिका की जाप है क्या है फिर से बोलो आ, जाप अष्ट महाभूति संघाय और एक आता है पंच लक्षण संगाय न तो इनके क्या अब क्या वो बोलाग अलग बोलाग से पुस्तक दिखाना फिर मैं देख के बताऊँ अष्ट महाभूति का मतलब अष्ट महाभूति संज्ञा और पंच दस लक्षण पंच लक्षण अलग से बात करिएगा चलिए चलिए और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे समाज गौरव श्री अशोक जी पाटनी साहब को की वो आए और अपने विचार और प्रश्न जो भी उनकी अनुकूलता हो उसके हिसाब रखे माइक दे देख के साथ मंडल क्रमांक चौसठ जी विनीत भी और भी निवेदन है ओम क्या रह गया है अगला मंडल मेरी ओर से और मेरे मंडल के सभी सदस्यों की ओर से और उज्जैन जैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 मेरा प्रश्न गुरुदेव महाभारत से है अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया तब युधिष्ठिर जो कि धर्मराज थे सत्यवादी थे लेकिन उनने कहा कि अश्वत्थामा हतोहत नरो हुआ कुंजरो वा। तो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि युधिष्ठिर को भी आ, अस, मतलब असत्य शब्द कहना पड़े और दूसरा ये कि जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया था उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया और उन्होंने जो है जब वो निहत्था था तब उसको बाण मारकर उसको उसकी ये लीला समाप्त कर दी तो ये दोनों कार्य जो है धर्म के विपरीत थे तो ऐसा क्यों हुआ देखो कई बार धर्मी को चतुराई का प्रयोग करना पड़ता है चतुराई का प्रयोग करना पड़ता है और युधिष्ठिर जी ने असत्य नहीं बोला चतुराई का प्रयोग किया अश्वत्थामा हतो हता नरो रो आ कुंज तो वो क्या है हमने थोड़ी बोला जो हो गया सो हो गया और एक संस्कृत में सुक्ति है आपत्ति काले मर्यादा नास्ती इस उक्ति से सब बातें ढक जाती और महाभारत के विषय में एक और सुक्ति भुज गुरुदेव है की यदि यन्ने हास्ती न जो महाभारत में है वो ही संसार में मिलेगा और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा तो चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो और नीति हो या अनिति हो दोनों महाभारत में आपको मिलेंगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक जी को महाराज श्री अच्छा महाराज महाराज श्री सरायुका श्रीमती सुशीला जी पाटनी यहाँ विधान में शुरू से पहले दिन से बैठी है वो बार बार मेरे को कह रही थी कि आप देखिए यहाँ आके कितना अच्छा जबरदस्त विधान हो रहा है एक एक दिन के लिए जरूर आइए। और मेरी भी भावना हुई आने की और मैं आके इस दृश्य को देख के अभिभूत हो गया इतना 108 सौ विधान और इतने व्यवस्थित और इतना सुंदर तरीके से इतना हो रहा है सभी लोगों को आके यहाँ एक दिन के लिए आना चाहिए और इसको देखना चाहिए और महाराज श्री इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा विधान इतना सुव्यवस्थित तरीके से करना निश्चित रूप से ये आचार्य श्री का आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से हम लोगों से कर पाते हैं ये संभव हुआ है और आगे भी इसी तरह ये सब लोग करते रहें ऐसी मैं भावना पाता हूँ और अपने आप को पुण्यशाली समझता हूँ कि मैं आज यहाँ आया और इसको विधान को देखा और मैं भी इसमें दो दिन के लिए सही लेकिन दो दिन के लिए मैं सम्मिलित होऊंगा और महाराज श्री मेरे को एक शंका है एक प्रश्न है कि विधान में जो अर्घ चढ़ाते हैं वो अर्घ हर दिन डबल डबल हो रहे हैं और लास्ट में दिन जाके एक हजार से ज्यादा अर्घ चढ़ेंगे तो इनको जब विधान तो लिखा तो आप लोगों ने विधान तो महाराज जी ने आप लोगों ने लिखा है तो ये विधान में ये अर्घ लास्ट में जाके एक हजार अर्घ के बजाय आठ दिन में बराबर में क्यों नहीं बांटे बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है <laughs> देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा एक बार सुशीला जी का जोरदार अभिनंदन कर दो क्योंकि अशोक जी अभी आने वाले नहीं थे ये सुशीला जी के कारण ही खींच कर के आए हैं और ऐसे ही सबकी सुशीलाएँ खींचते रहे तो सब लाइन पे लगे रहेंगे। बहुत अच्छा निश्चित एक धर्मात्मा के हृदय में यही भावना होती है कि जो मैं लाभ ले रहा हूँ वो सबको लाभ मिले और यही प्रेरणा सबको रहनी चाहिए और सबको अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जब भी कोई अच्छा समागम हो लाभ उठाना चाहिए आपका जो सवाल है कि यह गुणित क्रम में क्यों रखा सीधे सीधे भी रख दिया होता रख देते लेकिन ये सिद्ध चक्र मंडल विधान जो है एक ऐसा विधान है जिसमें यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों यंत्र है इसके सिद्ध चक्र की संरचना जो मंडल है ये यंत्र है सिद्ध यंत्र इसमें पूरी मंत्र की आराधना हम लोग करते ही हैं और ये दुग्नित क्रम में जो अर्घ अर्पण है ये एक प्रकार का तंत्र है हम अपनी शक्ति को दुगनी दुगनी कर रहे हैं लोक में हम चाहते हैं कि हमारी दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि हो चाहते हैं कि नहीं चाहते, हैं। चाहते हैं। सब चाहते हैं तो जब लोक में हम दिन दुगनी रात चौगनी दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि चाहते हैं तो परमार्थ में भी ये दिन दुनी रात चौगनी का प्रतीक अगर ढिलाई करोगे तो हो जाएगा पूजा तो बहुत लोग करने लगे हैं हमने सुना है कई लोग जो है ये आठ दिन के विधान को पांच दिन में निपटा देते हैं कई लोग हैं जो आखिरी दस सौ तो चौबीस अर्घ को दो दिन में कर लेते हैं नहीं ये आठ पूजा है और आठों पूजाओं को अपने क्रम से ही करना आठ पहले दिन में आठ गुणों की पूजा दूसरे दिन में सोलह गुणों की पूजा तीसरे दिन में बत्तीस अलग अलग गुण की पूजा चौंसठ दिन चौथे दिन में चौंसठ ऋद्धियों की आराधना फिर एक सौ आठ पापों के छः के साथ एक सौ अट्ठाईस अर्घ का अर्पण फिर कर्म दहन के दो सौ छप्पन फिर पंच परमेष्टि की आराधना में पूरे बराबर बराबर के अर्घ है पाँच सौ बारह और आखिरी में दस सौ चौबीस वो एक दिन में इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सहस्त्र नाम पूजा है सहस्त्र नाम पूजा भगवान की पूर्ण वंदना है क्योंकि भगवान के एक हजार आठ नाम होते हैं और हम एक हजार आठ नाम का स्मरण करते हैं अगर अधूरा कर लिए तो फिर अधूरा इंद्र भी जब भगवान के कल्याणकों में आता है तो सहस्र नाम के द्वारा भगवान का स्तमन करता है पूरे एक हज़ार आठ नाम उस समय होते हैं तो इसे अधूरा क्यों करें सहस नामांकित पूजा को बड़ी पूजा के रूप में जाना जाता है माना जाता है इसलिए इस पूजा में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए एकदम आनंद के साथ करें और लोग तो आनंद ले रहे हैं यहाँ तो एक एक बार में लोग थकते हैं पर अपने विधान में नौ बार पढ़ने के बाद भी कोई नहीं थकते उल्लसित होते हैं इसका ही प्रमाण है कि एक बार विधान में आने वाले हर विधान में आने की कोशिश करते और आते हैं तो प्रयास करना चाहिए नमस्ते विनीत पूछेंगे प्रश्न तो नहीं है मैं भी यहाँ आज मम्मी के कारण ही आया हूँ मम्मी ने बहुत बोला मैंने मना कर दिया था फिर भी मैंने मम्मी को सरप्राइज देने के लिए आया मम्मी को पता नहीं था शायद मैं आ रहा हूँ या सुबह पता चला हो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है इतना सुंदर पंडाल और इतने अच्छी तरह से सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं और मैं बहुत उत्साह हूँ कि कल सुबह जो यहाँ विधान होगा उसको देखने के लिए बहुत उत्साह हूँ मेरा प्रश्न यही है कि काम इतने ज़्यादा हैं समय बहुत कम है और मम्मी और सबकी जो अपेक्षा है धर्म के लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ और जो मम्मी डिमांड करती है या, या पापा बताते हैं वो भी नहीं हो पाता है तो कैसे मैनेज करें देखो ये सवाल तुम्हारा नहीं ये सवाल सबका है और तुम्हारे जैसे हर उद्यमी का स्वभाव जहाँ तक सवाल है कि काम बहुत ज़्यादा है समय कम है और माता पिता खासकर माँ के अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाना निश्चित तकलीफ तो तुम्हें भी होती होगी इसका एक रास्ता बताता हूँ इतना सब काम होने के उपरांत भी साल में एक दो फॉरेन ट्रिप तो होती होगी बोलो यही बोलती है मम्मी कि फॉरेन तो, ट्रिप के लिए तो टाइम है फॉरेन ट्रिप है और कदाचित फॉरेन ट्रिप नहीं भी जाओ तो गोवा कुल्ली कुल्लू मनाली भी घूमते ही होगे किसी सफारी में घूमने के लिए जाते ही होगे जाते हो कि नहीं और छोड़ो लोकल कोई पार्टी वार्टी है तो उसमें जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जाते हैं? हाँ बिल्कुल उसके लिए समय कैसे निकलता है इसका एक ही रास्ता है अपनी प्रायोरिटी को चेंज करो यहाँ आ जाए? वो कैसे रू, आए रुचि से होता है उसमें। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूं, आ रहा हूँ सूची तो तुम्हारे साथ है रुचि और हो जाए <laughs> तो काम हो जाएगा है ना तो मैं वही बोल रहा हूं आज यहां आए तुमने प्रायोरिटी दी कि नहीं मुझे चलना है माँ इतना कह रही है एक बार मुझे जाना है तब आए ना अगर ये तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं होता तो तुम्हारे पास सौ काम थे सौ बहाने भी थे तो हमें तय करना है कि दिन तो 24 घंटे का ही है और उम्र का हमें पता नहीं है हमें जो करना इसी जीवन में करना और इसी व्यवस्था में करनी है ऐसा तो नहीं है कि कल कोई व्यवस्था बदल जाएगी और थोड़ा अशोक जी को मैं 1990 से जानता हूँ उस समय तुमसे कम उम्र के होंगे सही तो बोल रहा हूँ साल नहीं, पहले नहीं, ये तो मेरे ख्याल से अभी पैंतालीस का हो गया होगा हाँ 33 साल पहले अशोक जी तीस बत्तीस के होंगे नहीं अभी अभी कितने है? है? नब्बे में साल च्छतीस च्छतीस के, नब्बे में साल नब्बे में साल का। है, के के तुम लगभग। छोटे थे जब अशोक अशोक जी। जी तब जी की क्या रुचि थी और कितनी भागीदारी थी दस दिन तो फिक्स गुरुदेव के चरणों में रहते ही थे रहते थे तो हमें ध्यान 90 90 का है उसके पहले का मुझे ध्यान में नहीं है तो उस समय और उस दौर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और, और महाराज श्री उस समय ज्यादा काम था वही वही बोल रहा अभी है। तो काम करने वालों की लाइन लगी हो जाए उस समय तो काम करने वाले हमें तो कोई थे ही नहीं कोई तो हमने खुद नहीं किया बाकी तो लेकिन पार्टी रुचि की बात है ट्रैक बना करके गाड़ी चलाना और बने बनाए ट्रैक पे दुरंतो दौड़ाना बहुत अंतर है अभी तो दुरंतो दौड़ रही है ट्रैक बन चुका है अब तुम्हारे पास चाहो तो समय ही समय है मानता हूं कि जितना तुम्हारी मम्मी कर रही है और जो हमारे जितना तुम्हारे पिताजी कर रहे पिताजी भी करते हैं वो तो अपना बिजनेस में तो देखा कुछ नहीं है उनका बहुत काम है अपना अपना तरीका वो भी धर्म कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं कमी नहीं है इनके कार्य का क्षेत्र अलग है ये धर्म और समाज के लिए इनका पूरा समय जाता है मैं मानता हूँ लेकिन जो अभी तुम्हारे माता पिता कर रहे उतना तुम नहीं कर सकते लेकिन इनको आदर्श मान करके मुझे यही करना ये लक्ष्य तो बना सकते हो कोई काम नहीं रुकता अभी महाराष्ट्र में जब वहां से प्रोग्राम बनाया आने का तो मन में ये सोचा कि जाने की इच्छा तो है फिर मुझे भाई ये इसका आग्रह समय से यात्रा हो जाएगी इस बार ने कल क्या क्या पता कल रहे नहीं रहे तो मुझे एक मौका मिल रहा है तो मौकों को क्यों छोड़े बहुत सुंदर <laughs> ये ये मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ हमें अपनी प्राथमिकताए सुनिश्चित करनी चाहिए रास्ता तभी मिलेगा अपनी रुचि जगाओ और सार यही है तो तुम भी मानते हो मौज मजा मस्ती में क्या रखा है थोड़ी पल का है वो भी करे जिसको करना है लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी ना बन जाए सेकेंडरी में हो हमें मुख्य प्रायोरिटी है और आप करोगे तो आपके बच्चों में भी वही संस्कार का प्रवाह आएगा तो ये चीजें बना के रखनी चाहिए जितना बने आदर्श बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम है नमस्कार और मैं अगले प्रश्न के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनुराग जी सोधिया मुंबई की वो आए और अपना प्रश्न करें उसके पश्चात तैयार रहें मंडल क्रमांक हाँ मंडल नहीं रम, रमेश जी गुणमाला काला हैदराबाद हाँ अब मंडल विद्या गुरु के लघुनंदन को मेरा सशद बंधन मुनि संघ को मेरा वंदन गुरु आपकी प्रेरणा कर रही है कमाल जैन धर्म की संपदा दिनों दिन हो रही है मालामाल शाश्वत भूमि पर श्रावक कर रहे हैं नंदीश्वर की भक्ति का धमाल गुरुजी लाखों श्रावक जिसमें हैं आपके प्रति अपार श्रद्धा समर्पण भक्ति अपरंपार कई तो हैं अति अति धनवान पर गुरुवर आप हम सबके भगवान गुरुवर मेरा प्रश्न है आपकी कसौटी पर कैसे पाए हम सच्चे श्रावक होने का अधिकार जिससे हो सके हमारा जीवन निहाल नमोस्त गुरुवर सच्चे श्रावक बनने का अधिकार कैसे पाए जिससे जीवन निहाल हो तो सच्चा श्रावक बनने के लिए सबसे पहले अपनी निष्ठा को सच्ची बनाओ मन में निष्ठा जग जाए तो बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ना शुरू होती है हमारी निष्ठा होनी चाहिए धर्म के प्रति धर्म हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए उसे अपने जीवन का मूल आधार मान कर के चलना चाहिए और उसके साथ हम अपने जितने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सके वो करें और प्रथम चरण में हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें या बढ़े बढ़ें अधर्म न करने के लिए संकल्पित हो जाए नमोज़ तुम्हारा हाँ और अगले पृष्ठकर्ता को मैं यहाँ पर बुलाऊँ उससे पूर्व एक बहुत ही सुखद संयोग और आपके लिए एक अमूल्य निधि आपके सामने समर्पित होने जा रही है श्रीमद जैन सहस नामांकित शांति धारा मैं उससे पूर्व जो नाम ले रहा हूँ उनसे निवेदन करूँगा कि वो जाएँ आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी श्री अतुल जी लाधानी विनीत जी पाटनी श्री एन सी जैन साहब एन आल एन एल जैन साहब सुभाष जी डब्बू जी कासलीवाल और प्रेमचंद जी प्रेमी बंधुओं गुणायतन के मुख्य जिनालय में सुनील सुनील जी अजमेरा वो भी उनके साथ आए हाँ। गुणायतन के मुख्य जिनालय में श्री चंदप्र भगवान जहाँ मूल नायक हैं वहाँ पर पूज गुरुदेव के मुखारवंद से प्रत्येक मास की पूर्णमासी को सहस्र नामांकित शांति धारा का विमोचन का शांति धारा की जाती है जो बहुत ही पुण्यवर्धनी है और गुरुदेव ने बहुत बार उस महिमा को हमारे सामने बताया है तो वो कई श्रावकों की ये भावना थी कि हमारे पास हम कैसे करें तो उस श्रीमद जनेद्र सहस नामांकित शांति धारा ये आप सबके सामने समर्पित है और एक बार जोरदार करता ध्वनि से इस कृति का अभिनंदन करें और ये कृति आप सबको अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी परिवार की ओर से निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी एक बार जोरदार करतल ध्वनि डब्बू भैया सीधी कर लो सीधी करो जी हाँ चलिए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करें ये कृति पूरे मुनि संघ को और कुछ घोषणाएं मैं कर रहा हूँ मंडल क्रमांक 103 से विमल कुमार सरोज गोदा निशा विजय जैन कल्पना सिंह सिंघी जैन अनिल संगीता अजमेरा जीप दया के लिए इक्यावन हजार रुपये की राशि श्री अशोक निशा चांदवार शिखर सरोज चांदवार झालना पाटन श्री लीना बसंत जैन नीमच श्री जिनेन्द्र कुमार हीरामणि राजेश रेखा जैन ब्यावर निवासी सुरेश मीना नि, नितेश श्वेता इवान पूना और विनोद सुशीला नीरज गरिमा अजय जयपुर ब्यावर राजस्थान इन सब ने किस इक्कीस हजार रुपये की, की, की राशि और प्रसन्न जैन गुवाहाटी इन्होंने ग्यारह हजार रुपये की राशि और श्रीमती गुणमाला जैन जो कि एनसी जैन साहब की बहन है उनकी ओर से भी इक्कीस हजार रुपये की, की राशि जीव दया के लिए प्रेषित की गई है इनके हम भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं अगले प्रश्नकर्ता के रूप में श्री oh. रमेश जी गुड़माला जी काला हैदराबाद। oh. शंका, शंका समान अधिपति गुरुवर के चरणों में कोटिश नमन कोटिश नमन मंचा, मंचा सिंह मुनिवर एवं जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु इच्छा मीडन गुरुवर भक्तामर की आराधना आजकल दिनों दिन इत, इतनी बढ़ती जा रही है कि प्रत्येक घर में और मंदिरों में 48 दीपों के साथ में ये की जाती है इनके रिद्धि मंत्र तो जो है वो मुनियों मतलब रिद्धि मंत्र तो मुनियों की आराधना है लेकिन उनके नीचे जो एक्स्ट्रा मंत्र है जैसे कि कोविड के टाइम पे चवालीस और पैंतालीस में रामनाय विभिषण लंकाधिपति और ओम नम भगवती शुत्रोपद्रो शांति कारणी रोग कष्ट जरोप शमनम शांति क्रुक्रूसा ऐसे अनेक मंत्र को रचना लोग बोलने लगे हैं तो घर में या मंदिर में इनको कैसे करना चाहिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कृपया समाधान करें ये बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है भक्तामर की अपार महिमा है भक्तामर का पाठ अगर होता है घर घर तो इससे अच्छी बात क्या है मैं तो भक्तामर की जब भी विवेचना करता हूँ तो उसके पहले ही पद पे कहता हूँ भक्तामर का मतलब है जो भक्त है वो अमर हो जाता है तो जो भक्त अमर हो जाए उसका नाम भक्तामर है अब इन्होंने जो मुझे एक किताब दी है क्या काब के नीचे कहाँ दिया है उसमें चश्मा का जो जो प्राप्त भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी कुछ संस्करण ऐसे जो आपने मंत्र बोले मुझे नहीं मालूम मेरे ख्याल से इस पुस्तक में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें किसी देवी देवता और अन्य का कोई स्मरण हो जहाँ बीत राग पंच परमिष्टि का स्मरण है हमें उनकी ही आराधना करनी चाहिए इसलिए कोई भी पाठ करो तो देख के करो कि इसमें है क्या भक्तामर कहा गया तो हमें अड़तालीस दीप जलाकर भक्तामर करना है महाराज ने बहुत महिमा गाई है तो गाई तो है पर ये तो देखो कौन सी अड़तालीस दीप तो यहाँ भी होता है रोज सुशीला जी आप कराती है करते हैं लेकिन उसमें कहीं ऐसे ऐसे तो मंत्र होने का सवाल ही नहीं है तो ये पुस्तक है इसी पुस्तक से यहाँ कराया जाता है मुझे प्रमाण स्वरूप ला के रख भी दिया है यहाँ तो इस पुस्तक में ऐसा मैंने देखा नहीं है कभी इसमें तो कोई नहीं है ना अड़तालीस में हाँ अगर वो देखो भक्तांबर के कई यंत्र हैं मेरे पास भक्तांबर के यंत्रों का बड़ा संग्रह है और एक ऐसा जो बहुत प्राचीन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कल्पवाद जब हावी हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के कल्प रचे गए भक्तांबर कल्प के नाम पर जिसमें देवी देवताओं का प्रवेश हो गया मूलतः मैं तो कहता हूँ ना रिद्धि मंत्र की ज़रूरत है ना किसी की जरूरत है केवल भक्तांबर पढ़ लो अमर हो जाओ अब ठीक है महिमा मंडल की दृष्टि से अगर है उसका लाभ भी है रिद्धिमंत्र ये नमोजनानम आदि लय के मूल मंत्र है अगर उनको पढ़ते हैं तो उसका सुलाभ ही है लेकिन उसकी आड़ में यदि भ्रमित होते हैं देवी देवताओं के चक्कर में पढ़ते हैं तो तुम्हारा मार्ग ही कलंकित हो जाएगा उससे अच्छा है भक्ता हमारा प्रणत मौलिमि प्रभा नाम सीधे पढ़ते आ पढ़ने लगो जैसे पहले पढ़ते आए थे चूँकि ये पुस्तकें सब जगह उपलब्ध नहीं या तो इस सब चीज़ों को उपलब्ध कराना चाहिए पर इतने सारे प्रकाशक हो गए हैं और सबकी अपनी अपनी धारणाएँ हैं तो उसमें भ्रमित होने की संभावना होती है हाँ हाँ तो एकदम शुद्ध रीति के साथ ही करना चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए सोनल जी कह रहे हैं अगले ऐसे ये भी शुद्धि है शुद्ध तो एकदम शुद्ध है और भी जो शुद्ध कर लिया जाए चलिए जी रमेश जी काला हैदराबाद हो गया हो गया हो गया। जी और मंडल क्रमांक छियासठ जी जयंत काले जैन अमरावती और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक अड़सठ नमोस्तु गुरुअर जीवन काल में जब भी दुखद दुखद घटनाएं घटती है जिसे अक्सर हम सभी अशुभ कर्म का उदय कहते हैं लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में संकट मोचन बन कोई रिश्तेदार आता है कभी गुरुवर के आशीर्वचन से उस संकट समय में हमें स्थिरता आती है जैसे मुझे जब कैंसर का निदान किया तब कोरोना का भीषण संकट था ऐसे सब प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे जीजाजी डॉक्टर उल्लास डॉक्टर ननद विजू यानी विजया उनकी बहु श्रद्धा बेटा तेजस वो भी डॉक्टर है जिनका नासिक में हॉस्पिटल है उन्होंने भगवान जैसे मुझे इस संकट से सकुशल निकाला तो गुरुवर मैं चाहना जानना चाहती हूँ क्या कैंसर होना अशुभ कर्म का उदय है या मुझे देवदूत समान जीजाजी ननद एवं उनके समस्त परिवारजनों का सहारा मिलना पुण्य है और ये सभी कई बार ये बड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध है पुण्य और पाप का संयोग चलता है पाप था कि कोविड से संक्रमित हुए पुण्य था कि आपको ऐसी बैकिंग हो गई। ऐसा जीवन में कई बार होता है भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसी समय कोई मसीहा बनकर आकर खड़ा हो गया और बचा लिया तो एक्सीडेंट होना पाप का और किसी मसीहा का मिल जाना पुण्य का ये साथ साथ चलता है तो सभी को आशीर्वाद हम सब चाहते हैं। सभी को आशीर्वाद चलिए पहली बार हमने ये सिद्ध चक्र महामंडल महा विधान में भाग लिया है नहीं उसका योग आया हमें बहुत सुंदर आशीर्वाद दीजिए मंडल क्रमांक अड़सठ डॉक्टर डी के जैन भोपाल और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक सत्तर कहाँ तक होना है हेलो हाँ, महाराज श्री संघ को नमोस्तु, नमोस्तु 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 और सभी छुल्लक एलक महाराजों को इच्छा भी ब्रह्मचारी वर्ग को वंदना एवं सभी को जय जैन मैं डी के जैन मेरा प्रश्न ये है कि ये तीन विधान का इतिहास मिलता है ये सिद्ध चक्र मंडल विधान में मैना सुंदरी और सीपाल का रोग दूर, दूर हुआ, हुआ। शांतिनाथ विधान में मथुरा नगरी में महामारी दूर हुई और नवग्रह विधान में भद्रवाहु मुनि की जो है नवग्रह पीड़ा शांत हुई तो विशेष विधान जो किए जाते हैं जैन धर्म के अंतर्गत उनका भी कोई इतिहास है क्या आपने तीन में कौन कौन सा नाम लिया सिद्ध चक्र नवग्रह बीच वाला कौन सा लिया मैं सुना शांतिनाथ विधान नवग्रह विधान और सिद्ध चक्र विधान देखिए ये सब कहानियाँ अलग अलग है सिद्ध चक्र विधान की कथा बहुत प्रसिद्ध है और वो सिद्ध चक्र विधान मैना सुंदरी के द्वारा प्रवर्तित हुआ शांतिनाथ विधान की भी कथा आती है अरहत दास सेठ ने शांति विधान किया था और उससे उसको सुलाभ हुआ नवग्रह विधान की जो जहाँ तक बात है ये बहुत अरवाचीन है हमारे आगम के अनुसार नवग्रह तो विधान ही नहीं जैन धर्म के अनुसार नवग्रह है ही नहीं तो नवग्रह का विधान क्या होगा जैन धर्म के अनुसार तो अठासी ग्रह नौ ग्रह ही नहीं तो नवग्रह क्या मान्यताएं हैं और नवग्रह होना ही नहीं चाहिए नवग्रह रिष्ट निवारक विधान हो तो बात फिर भी समझ में आए लौकिक मान्यता के अनुरूप लेकिन नवग्रह हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ ग्रह के शांति के लिए विधान नहीं होता हमारे यहाँ तो कर्म की शांति के लिए विधान होता है विभिन्न प्रकार के विधान है ये विधान महापूजा का अंग माना जाता है और महापूजा के अनुसार विधानों को किया जाता है अष्टानी की पूजा होती है महापूजा चतुर्मुख पूजा महामहापूजा आदि पूजाएं तो ये पूजाएं अनादि से प्रवर्तित हैं श्रावकों की मुख्य क्रियाओं में एक है जिनमें कुछ के लिए प्रसिद्धि हो गई मैना सुंदरी ने सिद्धचक्र विधान किया इसका मतलब उनने शुरू नहीं किया सिद्धचक विधान होता था तब ना महाराज ने कहा कि तुम सिद्ध चक्र करो होता नहीं तो कहाँ से कहते हैं तो इन बातों को उसी तरह समझना चाहिए श्री आपकी अनुमति हो तो इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न मेरे में भी मन में है बहुत कई बार आता है ये नवग्रह की जो व्यवस्था जहाँ से भी बनी है उसमें ग्रह के निवारण के लिए मुनिषुव्रतनाथ भगवान को फिक्स किया कि ग्रह का जो है वो पत्र मुनिषुव्रत भगवान दूर करेंगे अब मुनिषुव्रतनाथ भगवान उन्नीसवें नंबर के तीर्थंकर हैं तो मेरा प्रश्न हाँ बीसवें हैं बीसवें हैं तो उन्नीसवें तीर्थंकर तक के काल में जो जीव रहे क्या वो सब शनिग्रह की पीड़ा से पीड़ित रहे <laughs> उनके समय में उन्नीस तीर्थंकर के समय में शनिग्रह की पीड़ा कैसे दूर होती होगी ये सब चीज़ें विचारनी है ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए और इसका बड़ा बुरा प्रभाव आएगा आने वाली पीढ़ियाँ मुनिशुब्रतनाथ भगवान को मुनिशुब्रतना मान करके शनि निवारक मान लेंगे ये उचित नहीं है ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए हाँ, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अभे, अभे को दो पहले। जी अगला प्रश्न पहले अभय भैया उससे पहले मैं अभय भैया को आमंत्रित करूंगा वो कि कल के कार्यक्रम की सूचना हम सब तक प्रेषित करें आदरणीय महाराज जी अभी रुकिए ओम हाँ, हाँ।, हाँ बोलो भाई कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ सवा पाँच बजे से जाप अनुष्ठान प्रतिकरण के माध्यम से हमारा अनुष्ठान प्रारंभ होगा और कल सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजन प्रातः सात बजे सिद्ध भक्ति के पाठ के साथ प्रारंभ होगी और पूजन के समापन के पश्चात गुरुवार जो पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम है उसके लिए आशीर्वाद चाहेंगे बिल्कुल पिछी परिवर्तन कल होना है संघ का पिछी परिवर्तन होगा और विधान के मंच में ही पिछी परिवर्तन होगा सात बजे से विधान सिद्ध च, सिद्ध भक्ति प्रारंभ हो जाएगी जी और सिद्ध भक्ति के बाद सात बजे से साढ़े ग्यारह तक विधान पूर्ण हो जाएगा और साढ़े ग्यारह से बारह के साढ़े बारह तक पिछी परिवर्तन होगा और कल की चर्या सामायिक के उपरांत होगी इसलिए सब लोग पिछली परिवर्तन करके ही बाकी क्रियाएं करेंगे सूचना और है।, है और उसके बाद एक दोपहर में कल आ, तीन बजे शिला पूजन का कार्यक्रम है हमारी जैन समाज के गौरव भामाशाह अशोक जी पाटनी सुशीला जी पाटनी परिवार के द्वारा शिला पूजन का कार्यक्रम कल दोपहर में तीन बजे सम्पन्न होगा और संघ का समाधान का कार्यक्रम जो यथावत चलता है आ, वही समय रहेगा एक शिला पूजन अशोक जी आपके लिए होल्ड किया गया सु एक दिन तीन शिलाओं की पूजा होनी थी सुशीला जी का भी नाम था तो जब मालूम पड़ा आप आ रहे हैं तो हमने कहा फिर तो जब वो आएंगे तभी होगा वो होल्ड है मूल नायक भगवान जिससे बनने हैं उस शिला की पूजा का सौभाग्य आपको कल मिलने जा रहा है पूरे परिवार चलिए जी मंडल क्रमांक आ, सत्तर जी आपके प्रवचन में हम लोगों ने सुना कि जैन लोगों की कमी है बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं दो या एक होते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन के बिना कोई डिलीवरी ही नहीं करते तो एक या दो बच्चे तो होंगे ही कुछ नहीं करो रोज न्या? सुनो डिलीवरी के पहले नौ महीना भावना योग करो नाइन्टी फाइव परसेंट नॉर्मल डिलीवरी होती है पर महाराजी डा सुनो पहले मेरी बात भावना योग करो नियमित नौ मिनट का दिन में तीन बार पंचानवे प्रतिशत डिलीवरी नॉर्मल हो रही है ये रिपोर्ट है और इसके साथ गर्भ संस्कार और करा दो सोने में सुगंध आ जाएगा झमेलाई नहीं बचेगा समय हो गया यहीं पर प्रणाम बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की ओ परम पूज